हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे से होंगे। मैं हूं शाहिद और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बुक सेल्फ में। दोस्तों, ईयर 2011 में फेमस इकोनॉमिस्ट एंड्रयू मैकफी और एरिक ने अपनी बुक रेस अगेंस्ट द मशीन में इस बात को बताया है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से दुनिया बदल रही है, जिस तरह से कंप्यूटर और मशीनों का यूज दुनिया में इंसानों के जॉब्स को कम करता जा रहा है, एक वक्त ऐसा आएगा जब इस दुनिया में सिर्फ तीन तरह के लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। इनमें से पहले हैं हाईली स्किल्ड टेक वर्कर्स, इनमें आएंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स और डाटा एनालिस्ट। यह वे लोग होंगे जो मशीनों और कंप्यूटर्स के साथ काम करके उनके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे। इन शॉर्ट, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। नंबर टू, सुपरस्टार्स, इनमें वो लोग आते हैं जो अपने फील्ड के टॉप मोस्ट टैलेंटेड पर्सन होते हैं। चाहे आप सिंगिंग करते हो, चाहे आप मॉडलिंग करते हो, चाहे आप डांसिंग करते हो, या आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, सुपरस्टार वो लोग होते हैं जो अपने फील्ड में सबसे बेस्ट करके दिखाते हैं। अब क्योंकि इंटरनेट ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है, इसलिए दुनिया का कोई भी इंसान किसी भी देश में बैठकर इन टॉप टैलेंटेड पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है और उन्हें अपने काम के लिए हायर कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों की दुनिया में हमेशा इम्पोर्टेंस बनी रहेगी। नंबर तीन, ऐसे लोग जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो दूसरों के अच्छे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और उनसे मुनाफा कमाते हैं। अब क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास पैसे ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हमें फ्यूचर में अच्छे से सरवाइव करने के लिए पहली दो कैटेगरीज में से एक में तो अच्छा करना ही होगा। या तो हमें टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, या फिर हम अपने फील्ड के सुपरस्टार बन करके दिखाएं। अब इन दो कैटेगरीज में आने के लिए हमारे अंदर दो स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनमें से पहला है अपने फील्ड की टफ चीजों को दूसरों से ज्यादा जल्दी सीखना, और दूसरा उतने ही या उससे कम समय में दूसरों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना। अब इन दोनों ही स्किल्स को सीखने में आपके लिए काम करने की जो स्ट्रेटजी, जो तरीका बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, उसे ही कहते हैं डीप वर्क। और इसी के अपोजिट, जिस स्ट्रेटजी से दुनिया के काफी सारे लोग काम करते हैं, उसे कहते हैं शैलो वर्क स्ट्रेटजी। अब डीप वर्क और शैलो वर्क क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप होमवर्क करने के लिए बैठते हैं और सोचते हैं कि एक घंटे में मैं इसे कंप्लीट कर लूंगा। 10 मिनट बाद ही आपके मोबाइल में आपके दोस्त का मैसेज आ जाता है, आप उससे बात करने लगते हैं और बात करते करते 10 मिनट निकल जाते हैं। फिर आप जैसे ही अपना काम दोबारा चालू करते हैं, वैसे ही 10 मिनट के बाद आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स की न्यू वेब सीरीज का नोटिफिकेशन आ जाता है। अब आप उस वेब सीरीज का ट्रेलर देखने लगते हैं और आपके 10 मिनट और निकल जाते हैं। आप फिर तीसरी बार काम करने के लिए बैठते हैं, लेकिन इस बार कोई आपके घर के दरवाजे पर आ जाता है, आप उसे देखने चले जाते हैं और आपके 5 मिनट और बर्बाद हो जाते हैं। इस तरह से वह काम जो एक घंटे में पूरा हो जाना चाहिए था, वह ना चाहते हुए भी आपका ज्यादा समय ले लेता है और उस काम की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। बस इसे ही कहते हैं शैलो वर्क स्ट्रेटजी। और इसी का अपोजिट होता है डीप वर्क, जिसमें हम उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कंप्लीट करते हैं एक बार में। दोस्तों, ये बातें मैं आपको ऑथर कैल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई बुक डीप वर्क से बता रहा हूँ, और यह बुक हमें सिखाती है कि हम किस तरह से डीप वर्क करके कम समय में औरों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट ने MIT कॉलेज कैम्ब्रिज से कंप्यूटर साइंस में PhD की डिग्री हासिल की है और करेंटली वह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है। बात करें अगर इस बुक की, तो इसे मैंने Amazon से 270 रुपीज में खरीदा है। इस बुक में टोटल 300 पेजेस हैं। यह बुक थोड़ा लंबी है, इसे पढ़ने में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें लिखे गए डीप वर्क करने के तरीके आपको डेफिनेटली दूसरों से बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। Amazon में इस बुक की रेटिंग आउट ऑफ 5 4.4 है, तो आप इस बात से समझ ही सकते हैं कि यह बुक कितनी ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, इस बुक में एक्सलेंट वर्क एबिलिटी पाने के लिए एक इक्वेशन के बारे में बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाई बाई इंटेंसिटी ऑफ फोकस। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें अपनी वर्क की क्वालिटी को बढ़ाना है, तो या तो हमें अपने टाइम को ज्यादा स्पेंड करना होगा, या फिर काम करते वक्त अपने फोकस को बढ़ाना होगा। क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड ही होता है, इसलिए हमें अपनी फोकस की इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा, और यह हमें मिलेगा डीप वर्क करने से। इसलिए दोस्तों, हम लोगों के लिए डीप वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये तो बात हुई कि हमें डीप वर्क क्यों करना चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं उन तीन रीजंस को जो हमें बताते हैं कि हमें शैलो वर्क क्यों नहीं करना चाहिए। नंबर वन, शैलो वर्क आपकी फोकस एबिलिटी को परमानेंटली रिड्यूस कर देता है। जी हाँ दोस्तों, साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया गया है कि वह लोग जो मोस्टली शैलो वर्क करते हैं उनकी फोकस कैपेसिटी औरों के कंपैरिजन में कम होती है। नंबर टू, जो काम हम कम समय में कर सकते हैं उसे करने में हमें ज्यादा टाइम लगता है। ईयर 2012 में एक स्टडी की गई थी जिसे मैकिन्से स्टडी भी कहते हैं। इस स्टडी में यह पाया गया कि एक एवरेज वर्कर अपने वर्किंग आवर्स का 60% से ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्फिंग में बर्बाद कर रहा है, जिसमें से 28% टाइम तो सिर्फ यूजलेस ईमेल चेक करने में वेस्ट हो जाता है, जो कि डेफिनेटली 2020 आते आते इससे ज्यादा ही हो गया होगा। तो पॉइंट नंबर टू है, शैलो वर्क करने पर हमारी फोकस एबिलिटी कम होने के साथ साथ किसी काम को करने में हमारा टाइम भी ज्यादा वेस्ट होता है। नंबर थ्री, अटेंशन रेजिड्यू। दोस्तों, जब भी हम काम करते हुए अपने टास्क को बार बार चेंज करते हैं तो साइंटिफिकली इस बात को प्रूव किया गया है कि जब हम टास्क ए से टास्क बी में जाते हैं तो टास्क ए का कुछ पार्ट हमारे दिमाग में बना रहता है। हमारे ब्रेन के इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं और यह अटेंशन रेजिड्यू हमारे दिमाग को थकाने के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह से हमारी टास्क बी को करने की एबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि हमें आखिर डीप वर्क करना किस प्रकार है। इसके लिए हमको दो चीजों पर ध्यान देना होगा, पहला डीप वर्क के लिए जरूरी इन्वायरमेंट और दूसरा प्रोसेस। पहले बात करते हैं कि डीप वर्क करने के लिए हम एनवायरनमेंट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके लिए बुक में बताया गया है कि आप इन चार तरीकों का यूज कर सकते हैं। पहला है मोनेस्टिक अप्रोच। इसमें कुछ वक्त के लिए आप शैलो वर्क को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से रिमूव कर देते हैं। आपने मोंक यानी सन्यासियों को तो देखा ही होगा, वो पूरी दुनिया से अलग होकर किसी पर्वत पर जा करके अपनी प्रार्थना को तब तक करते हैं जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती है। देखिए, यह डीप वर्क करने का सबसे अच्छा तरीका है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान में से एक बिल गेट्स ने अपने सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने के लिए इसी मेथड का यूज किया था। इसके लिए बिल गेट्स ने 8 हफ्तों तक अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर दिया था, पर यह बहुत टफ अप्रोच होती है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। नंबर टू, बाय मॉडल अप्रोच। इस मॉडल में हम अपने हफ्ते के कुछ दिनों को डीप वर्क के लिए अलग कर लेते हैं। जैसे हम हफ्ते में 2 दिन अपने किसी पर्टिकुलर काम को देंगे और बाकी के दिन हम और चीजों के लिए रखेंगे। इसके अलावा आप कोई ऐसी जगह भी चुन सकते हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको उस जगह पर रहकर सिर्फ डीप वर्क ही करना है। यह जगह आपके लिए आपका कोई कमरा या लाइब्रेरी भी हो सकता है। नंबर थ्री, रिदमिक अप्रोच। इस मॉडल में हम अपने दिन के कुछ वक्त को शैलो वर्क के लिए और कुछ वक्त को डीप वर्क के लिए अलग कर लेते हैं। इस तरह से हम शैलो वर्क और डीप वर्क का टाइम ब्लॉक बना लेते हैं। जैसे हम शाम में 5 बजे से 7 बजे तक डीप वर्क करेंगे और उसके बाद दूसरे काम करेंगे, या फिर हम सुबह उठकर 6 बजे से 8 बजे के बीच में डीप वर्क करेंगे और उसके बाद हम फिर अपने दूसरे कामों को निपटाएंगे। पर्सनली यह मॉडल मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मैं इसी की सलाह आप लोगों को दूंगा। और लास्ट में नंबर फोर, जर्नलिस्टिक अप्रोच। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी चाहते हैं डीप वर्क मोड में आ जाते हैं। जैसे अगर उन्हें पता है कि आज मेरा 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम फ्री रहने वाला है तो वह उस समय डीप वर्क करने लग जाते हैं। इस तरह के मॉडल को अपनाने के लिए आपको सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है और यह मॉडल भी काफी टफ होता है। अब इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद हम उस प्रोसेस को जानते हैं जो हमें सिखाती है कि डीप वर्क आखिर करना किस प्रकार है। इसके लिए बुक में एक फ्रेमवर्क बताया गया है जिसे कहते हैं द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, जिनमें डिसिप्लिन नंबर 1 है डिसिप्लिन ऑफ फोकस। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने काम के कुछ ऐसे गोल्स पर ज्यादा फोकस करना है जो आपके रिजल्ट को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता हो। इन गोल्स को वाइडली इंपॉर्टेंट गोल्स कहा गया है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई फाइनेंस से रिलेटेड बुक पूरी पढ़ना है तो आप बुक को पूरा करने की सोचने की बजाय हायर गोल्स पर फोकस कीजिए। जैसे इस बुक को पढ़ने पर मुझे काफी नॉलेज हो जाएगा जिससे मेरी फाइनेंशियल विजडम और अच्छी हो जाएगी। अब बात करते हैं डिसिप्लिन नंबर 2 की, जो है डिसिप्लिन ऑफ लेवरेज। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने काम की उन टास्क पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपको रिजल्ट तक पहुंचने के लिए तुरंत करना है और जो आपके रिजल्ट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।
नंबर 3 डिसिप्लिन ऑफ एंगेजमेंट। इसमें आपको अपने काम और टास्क का एक स्कोर कार्ड बनाना है और जैसे जैसे आप अपने काम और टास्क को पूरा करते जाएंगे इस स्कोर कार्ड में आपको उसे लिखते जाना है जिससे कि पता चलता रहे कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। नंबर 4 डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। इसमें आपको हर दिन के अंत में और हर वीक के अंत में अपने स्कोर कार्ड को चेक करना है कि आपने कितने घंटे डीप वर्क किया है, इससे आपको क्या रिजल्ट मिला और आप कौन सी नई स्ट्रेटजीज को ज्यादा अच्छा रिजल्ट पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं और आपको आगे आने वाले वीक या दिन में क्या क्या करना है। इस तरह से ये चारों डिसिप्लिन आपको डीप वर्क करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों अब जल्दी से उन तरीकों को देख लेते हैं जिसकी सहायता से हम अपनी लाइफ में शैलो वर्क को कम कर सकते हैं। नंबर 1 शेड्यूल ईच डे। आप अपने आने वाले कल के दिन का शेड्यूल आज ही बना लीजिए कि आपको कितने घंटे डीप वर्क करना है और कितने घंटे दूसरे काम करने हैं। दूसरा है सेट अ कोटा। इसमें आप अपने दिन भर में टाइम को परसेंटेज वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि मैं अपने दिन भर का 30% टाइम शैलो वर्क करूंगा और बाकी के टाइम में डीप वर्क करूंगा। तीसरा है लिमिट योर वर्क आवर्स। दोस्तों जब हम अपने काम को करने के समय को कम कर देते हैं तो हमारा फोकस अपने आप ही बढ़ जाता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमें उस काम को इतने समय में कंप्लीट करना ही है। नंबर 4 टेक कंट्रोल ऑफ सोशल मीडिया। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आज की लाइफ में हमारे लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया होता है। अगर आप इसे कंट्रोल में रखते हैं तो आप अपने शैलो वर्क को काफी ज्यादा कम कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब जब तक मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ आप तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि मशीनों और टेक्नोलॉजीज की वजह से आने वाला वक्त किस तरह से बदलने वाला है। इसके बाद हमने उन 2 एबिलिटीज के बारे में जाना जो हमें सक्सेस दिलाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। पहला काम को करने में कम समय लेना और दूसरा दूसरों से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देना। इसके बाद हमने शैलो वर्क और डीप वर्क क्या होता है इसके बारे में कुछ बातें की और यह भी जाना कि हमें डीप वर्क क्यों करना चाहिए और शैलो वर्क क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो हमें सिखाता है कि हम किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हमें शैलो वर्क क्यों नहीं करना चाहिए। देन हमने डीप वर्क करने के लिए जरूरी एनवायरनमेंट और प्रोसेस को जाना। एनवायरनमेंट के लिए जो 4 तरीके बुक में बताए गए हैं उसे जानने के बाद हमने डीप वर्क की प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट 4 डिसिप्लिन के बारे में जाना और अंत में हमने इस वीडियो में यह भी पता किया कि हमें अपने शैलो वर्क को कम करने के लिए किन तरीकों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों समय आ गया है आपसे विदा लेने का। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आप बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए। मिलता हूँ दोस्तों आपसे जल्द ही अगले वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।